पहले हमें शक्कर डालना है, 2 से 4 चम्मच। शक्कर जैसे ही पिघलना शुरू हो जाए हमें दूध डालना है, ये एक गिलास दूध डालना है। सिम गैस करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आधा गिलास दूध में इसमें डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और वो मैं इस मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ और इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिए। अभी हमें इसको क्या मिलाना है, आधा चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा गिलास दूध में डाल के मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाना है दूध को। आधा गिलास दूध में मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, इसमें क्या है फ्लेवर भी अच्छा आता है और थोड़ा टेस्ट फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। वैसे आप डाल सकते हो, नहीं वो आपकी स्किप भी कर सकते हो। देखिए अब बिल्कुल गाढ़ा होने वाला है। ये देखिए इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किया है, पिस्ता बादाम वो इसमें डाल रही हूँ। इसमें अच्छा फ्लेवर और खाने में बहुत टेस्टी आता है। अभी गैस मैंने बंद कर दिया है, इसको ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा हो गया, अभी मैं इसमें डिस्पोजल ग्लास में डाल रही हूँ। देखिए मैंने गिलास में डाल दिया है, अभी मैं फ्रिज में रखूँगी 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। देखिए आधा जम गई है, मतलब थोड़ा सा ही जमे तो जैसे ये फिट हो सके अंदर। इस टाइप से आपको ऐसा करना है कि हमारे को ये स्टिक अंदर फिट करनी है। ये देखिए आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी हो गई है मेरी, अभी बस इसको काटना है। बहुत इजी है निकालना, ये देखिए। देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए ठेले वाली कुल्फी कितनी बढ़िया लग रही है, पूरी मार्केट जैसी लग रही है, ऐसे कि घर में बनाई है, पूरी मार्केट जैसी लग रही है।